मैं प्रवक्ता पारसमल टेक्सटाइल डिज़ाइन आज आपको स्ट्राइप्स एंड चेक व्यू के कॉम्बिनेशन के द्वारा कपड़े के ऊपर स्ट्रिप्स और चेक्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका क्या आता है, वर्गीकरण आता है स्ट्रिप्स और चेक्स व्यू को कैसे बनाते हैं। तो पहला मेथड है डिजाइन इन विच द सेम व्यू यूजुअली अ ट्विल इज यूज्ड थ्रू आउट बट टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा मेथड है डिजाइन इन विच द सेंक्शन आर इन डिफरेंट व्यूज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम बेस व्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ वार्प एंड वेफ्ट फेस व्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट व्यूज के द्वारा अपन स्टेप्स और चेक डिजाइन बनाते हैं। सबसे पहला आता है स्ट्रेप्स डिजाइन कैसे बनाते हैं, अर्थात लंबवत लाइनें कपड़े के ऊपर कैसे बनाते हैं। स्ट्रेप्स डिजाइन को बनाने के लिए क्या करते हैं इस व्यू के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। स्ट्रेप्स डिजाइन में पहले सबसे पहले अपने को व्यू का सिलेक्शन करना होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो डिज़ाइन आपको दिख रही है इसमें मैंने वार्प रिब और वार्प बैट का उपयोग किया है। वार्प रिब लिया मैंने फोर अप फोर डाउन और मैट भी है फोर अप फोर डाउन। तो फोर अपॉन फोर हो गए एट वार्प रिब के एंड और फोर बाई फोर ऑफसेट है तो इसको हो गए एट बाई एट। तो इसकी मैं डबल रिपीट लेता हूँ तो इसकी रिपीट की साइज हो गई 32x16। तो इसको 32x16 के ग्राफ पेपर पर मैंने मार्किंग की और इसको मैंने चार बराबर भागों में डिवाइड किया, वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट एंड फोर पार्ट। सबसे पहले मैं इसमें वार्प रिप भर रहा हूँ वर्टिकल दिशा में क्योंकि अपने को स्टेप्स डिजाइन बनानी है, वन टू थ्री और ये फोर, फोर अप ये फोर डाउन फोर अप फोर डाउन फिर फोर अप फोर डाउन दी भैया तो चारों एंड एक साथ अप होंगे चारों एक साथ डाउन होंगे। तो ये मैंने इस तक ये वाले पार्ट में भर दिया। फिर बननी है मैट फोर बाई फोर की तो चार वेफ्ट की दिशा में और चार वार्प की दिशा में ये पूरा करके मैं इसको मैट इसका पूरा किया, देख रहे हैं आप ये। तो इस तरह से एक पार्ट पूरा, फिर इसका एक रिपीट लिया ये वापस इसमें रिब भरा ये रिब भरा और ये मैट भरा तो ये मेरा डिजाइन पूरा हो गया। फिर इसका बनाया मैंने रिपटिंग प्लान, ये दो एंड ये और ये दो एंड यहाँ से और दो एंड यहाँ से लिए थे, मेरा 6x16 का मेरा ये लिफ्टिंग प्लान इसमें पूरा हुआ। और ये ड्राफ्ट बनाया स्किप ड्राफ्ट, शुरू की दो हिल्ड फ्रेम वार्प रिप के लिए और पीछे की चार हिल्ड फ्रेम मैट के लिए काम में रहते। इस तरह कपड़े के ऊपर अपन लंबवत लाइनें बना सकते हैं। इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ चेक डिजाइन कैसे बनाते हैं। चेक डिजाइन बनाने के लिए क्या है, ये इसमें चेक डिजाइन, चेक डिजाइन के लिए सबसे पहले व्यू का चयन करना है। व्यू अपन ने इसमें मेथड किया है प्लेन व्यू और ट्विल व्यू के कॉम्बिनेशन से अपन चेक डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले व्यू का चयन करना है, एक भाग में प्लेन व्यू बननी है और एक में अपन भरेंगे ट्विल व्यू। प्लेन व्यू होगी वन अप वन डाउन, ट्विल व्यू है थ्री अप वन डाउन थ्री अप वन डाउन, सेलेक्ट कर लिया। तो व्यू जब चयन कर लिया तो अपन ने इसमें इसका बनाया रिपीट साइज, रिपीट साइज बना 32x16 का, 32x16 का बन गया। फिर मैंने क्या किया, इसको चार इक्वल भागों में डिवाइड किया, वन टू थ्री एंड फोर। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में मैंने प्लेन व्यू भर दी, जैसे आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक ब्लैक निशान लगा रखे हैं ये वन अप वन डाउन प्लेन व्यू के भर दी। और पार्ट सेकंड और फोर्थ इसमें मैं ट्विल व्यू भर रहा हूँ, ये देखिए ये ट्विल व्यू भर दी और सेम भी इसमें भी एक ट्विल व्यू भर दी। तो ये मेरी चेक डिजाइन बन गई और इसका लिफ्टिंग प्लान बना दिया।
18x16 का, 18x16 में इसका लिफ्टिंग प्लान बना दिया। ये चार इसमें इस देख रहे हैं आप, इसमें ये चार है, ये चार आगे, इसमें हिप ट्यूल के चार एंड, ये चार एंड ट्यूल के, तो इससे मेरा ये लिफ्टिंग प्लान हो गया। फिर ये मेरा ग्राफ इसका ड्राफ्ट बना दिया 32x8 में, चार हिल फ्रेम प्लेन व्यू के लिए और चार हिल फ्रेम ट्विल व्यू के लिए काम में लेते हैं। इस तरह से अपन प्लेन और ट्विल व्यू के कॉम्बिनेशन से अपन इसमें चेक डिजाइन बना सकते हैं। अपन इसमें व्यू को बदल कर भी चेक डिजाइन बना सकते हैं। दोनों में ट्विल व्यू का डेरिवेशन लेना है। जैसे अपन 3 up 1 down 2 ले ली, तो उसमें क्या करेंगे, 1 up 3 down 2 व्यू काम में लेंगे, उसका उल्टा करना है। जैसे मैं इस डिजाइन के द्वारा ये आपको बता रहा हूँ, 3 up 1 down 3 up 1 down ये ट्विल व्यू ले ली और एक ले ली उसकी उल्टी रिवर्स व्यू, 1 up 3 down 1 up 3 down या ये ले ली, तो इसके आधार पर रिपीट साइज हो गई 32x16। सबसे पहले ग्राफ पेपर 32x16 की मार्किंग करेंगे और इसे चार इक्वल भागों में बांट लेंगे, 1, 2, 3 and 4। फर्स्ट और थर्ड में सेम व्यू बननी है, ट्विल व्यू बढ़ ली, 3 up 1 down 3 up 1 down बढ़ लेंगे आप ऐसे इसके ऊपर। फिर क्या करनी है, इसकी उल्टी हेरिंग बोन दिशा में, इसके रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। तो जैसे अपन ने ये वाला लिया है, यहाँ से लिया, ये दो छोड़ के तीसरा है, तो तीस से फिर ये बिंदु लगा, इसका उल्टा हो गया। फिर ये है तो इसका उल्टा ये हो गया, ये है तो इसका उल्टा ये हो गया, और इसका उल्टा है तो ये आ गया। तो इस तरह से अपन इसको रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ते हुए जाएंगे, ये रिवर्स डायरेक्शन, और इसका ये है तो इसका ये अप हो जाएगा, ये है तो ये अप कर देंगे। तो इस तरह से अपन ये सारी दिशाएँ इसमें बढ़ते जाएंगे, इसका ये 8x16 में इसका लिफ्टिंग प्लान बन जाएगा और इसका ये ड्राफ्ट अपन बना के डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से अपन ये अपना चेक डिजाइन बना सकते हैं। थैंक यू।